नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। मैं हूं दिनेश दीक्षित। 4 मई 102, 10 मई 173, एवरेज 13 से अधिक। जी हां, ये क्रिकेट स्कोर नहीं लेकिन कोरोना पॉजिटिव की वो संख्या है जो दिनों दिन लगातार चंडीगढ़ को भयभीत करे हुए है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा किए गए सभी दावों की पोल खोलते हुए आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन पर दिन लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले एक सप्ताह पहले कर्फ्यू में ढील देते हुए प्रशासन ने यह दलील दी थी कि केवल वही कॉलोनीज जहां पर इन मरीजों की संख्या ज़्यादा पाई गई है उनको क्वारंटाइन करते हुए, उनको रेड जोन घोषित करते हुए सील कर दिया जाएगा। प्रशासन ने उस वक्त बापूधाम कॉलोनी और सेक्टर 30 को इस श्रेणी में रखते हुए सील कर दिया था, यह कहते हुए कि अर्थव्यवस्था को, बाजारों को चलाने के लिए शहर में लॉकडाउन और कर्फ्यू में ढील देना जरूरी है। लेकिन हालात बद से बदतर। ब्यूटीफुल सिटी है यह चंडीगढ़, पर अब लगने लगा है कि प्रशासन ने ठान लिया है कि इसे एक्सपेरिमेंट सिटी का दर्जा दिलवा के रहेंगे। जी हाँ, डेली प्रशासन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट के दावे करता है, चाहे वो सेक्टर 26 की मंडी को 17 में लगवाने की बात करें, चाहे बापूधाम कॉलोनी को सील करें फिर सेक्टर 30 को करें। बावजूद सेक्टर 56, सेक्टर 27, ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे बापूधाम जैसे ही केसेस दिन पर दिन पाए जा रहे हैं। 9 मई को CRPF और पुलिस, आपको बता दें कि बापूधाम कॉलोनी CRPF और पुलिस की निगरानी में है। बावजूद इसके 9 मई को 7 लोग इन दोनों सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर सेक्टर 29 तक पहुंच गए। गनीमत ये रही कि पड़ोसियों ने बता दिया तो पुलिस ने आके उनको पकड़ लिया, अदरवाइज आज ये संख्या कुछ और होती। देखना यह है कि चंडीगढ़ प्रशासन जो दावे कर्फ्यू खोलने से लेकर आज तक करते आया है, क्या उनमें से कोई भी ऐसा दावा काम करेगा? क्या इस एक्सपेरिमेंट पर रोक लग सकती है जिससे यहाँ के नागरिकों को कर्फ्यू से निजात के साथ साथ कोरोना से मुक्ति मिल सके? धन्यवाद। अर्थ प्रकाश टीवी पर एक और मुद्दे के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।